हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पार्ट वाइंडिंग स्टार्ट कनेक्शन के बारे में, कि पार्ट वाइंडिंग का कनेक्शन कैसे होता है, ये कैसे वर्क करता है और इसे कहां पर यूज किया जाता है। तो इसके बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते चले कि अगर आप HVAC फील्ड में काम कर रहे हैं, एयर कंडीशनिंग डिपार्टमेंट से हैं, तो आपको इलेक्ट्रिकल का भी नॉलेज उतना ही होना चाहिए जितना आपको मैकेनिकल का नॉलेज है। मतलब कि 100% में 50% आप का इलेक्ट्रिकल का नॉलेज है और 50% अगर आप मैकेनिकल में जान रहे हैं तो आप जो है इस फील्ड में अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं आगे चल के। क्योंकि कोई भी मैकेनिकल पार्ट को रन कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल की जरूरत पड़ती है। तो अगर इलेक्ट्रिकल का आपके पास नॉलेज है तो आपको किसी इलेक्ट्रिशियन को या किसी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल आदमी को पकड़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद से भी वर्क कर सकते हैं। तो हम जानेंगे आज इसके बारे में। हम लोगों को बेसिकली बताया जाता है, जब हम लोग एसी फील्ड में आते हैं तो रनिंग कॉमन स्टार्टिंग के बारे में हम लोग को बताया जाता है कि सिर्फ वही कनेक्शन है रनिंग कॉमन स्टार्टिंग। अब बहुत सारे लोगों को ये मालूम होता है कि रनिंग कॉमन स्टार्टिंग निकालना जान गए तो हम पूरे चिगर तक कनेक्शन कर लेंगे। ऐसा नहीं है, रनिंग कॉमन स्टार्टिंग जो है हमारा डोमेस्टिक तक ही यूज होता है। जैसे कि आपका वाटर कूलर वगैरह हो गया, फ्रिज हो गया, फिर विंडो एसी हो गया, स्प्लिट एसी हो गया, ये सब में हम लोग रनिंग कॉमन स्टार्टिंग का यूज करते हैं, उसको निकालते हैं। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे। उसके बारे में हम बताए हैं कैसे उसको निकाला जाता है। जैसे कि उसमें तीन ये होते हैं टर्मिनल होते हैं, तो तीन टर्मिनल में आपको ABC, एग्जांपल के लिए आप मान लो ABC, तो A से B चेक करेंगे, B से C चेक करेंगे, A से C चेक करेंगे, तो हमको रेजिस्टेंस के जरिए हमें मालूम चल जाता है कि कौन सा रनिंग है, कौन स्टार्टिंग है और कौन कॉमन है। ठीक है, अभी वो बताएंगे तो टॉपिक लंबा हो जाएगा। दूसरा हमारा कनेक्शन आता है स्टार कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, ये स्क्रोल कंप्रेसर पैकेज GX वगैरह में जो है ना, डक्टेबल AC में जो है हमारा यूज किया जाता है। T1, T2, T3 करके आप देखे होंगे कनेक्शन, रेड येलो ब्लू, हम लोग उसमें डायरेक्ट जो है फेज अप्लाई करते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए तो उसके बाद हमारा जो चीलर वगैरह जो भी आते हैं, ज्यादा टर्न ऑफ एफिशन का जो मशीन यूज किए जाते हैं, उसमें हमारा पार्ट वाइंडिंग जो है यूज किया जाता है और एक स्टार डेल्टा कनेक्शन का भी कहीं कहीं पे यूज किया जाता है। ज्यादातर आपको जो देखने के मिलेंगे वो आपको पार्ट वाइंडिंग में कनेक्शन किए हुए रहेंगे। तो आपको ये दोनों चीज का मालूम होना चाहिए। स्टार डेल्टा का हम फिर कभी बताएंगे दूसरे वीडियो में, आज हम लोग पार्ट वाइंडिंग के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि थ्री फेज का जो हमें सप्लाई कहां से आएगा और कैसे कैसे आएगा। तो सबसे पहले आपका ट्रांसफार्मर से होते हुए उधर पैनल में आया, पैनल से आपका आउट करके उसके बाद HVTV में आया। ये आपको वहां देखने को मिलेगा जब आप चिलर का ढक्कन ओपन करेंगे ना, आगे फ्रंट साइड में रहता है उधर में कंट्रोल एरिया, वहां पे ओपन करेंगे तो HVTV एक एरिया रहेगा। इसका फुल फॉर्म होता है हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक, ठीक है ना, हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक का ये लोकेशन रहेगा। वहां पे रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल फेज हमारा आए रहेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें रेड येलो ब्लू की जरूरत है, न्यूट्रल की यहाँ पे जरूरत नहीं है इसको पावर वायरिंग के लिए। सबसे पहले जो हमारा HVTV से जो आगे बढ़ के आएगा वो हमारा आइसोलेटर में आएगा, ठीक है। आइसोलेटर के बाद जो है हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं दो कॉन्ट्रेक्टर लगा हुआ है, K1 K2 के नाम से दो कॉन्ट्रेक्टर है। पार्ट वाइंडिंग में जो है हमें दो कॉन्ट्रेक्टर का यूज करना पड़ता है, इसमें दो पार्ट में कनेक्शन किए जाते हैं। ये आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें तो सबसे पहले ज्यादा ये डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत इजी कनेक्शन है ये। हम जो आपको ड्रॉइंग ये जो बता रहे हैं ना, ये आप जब आप कंप्रेसर का ऊपर का जो ढक्कन खोलेंगे ना, जहां पे टर्मिनल ब्लॉक होता है वहां पे आपको ये कनेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो उसके अंदर जो है वो कनेक्शन किया हुआ था, तो हम सोचे आप लोगों को यहाँ ड्रॉइंग बता करके उसके जरिए आप लोगों को समझा दें। तो यहाँ पे जो है ये हमारा K1 कॉन्ट्रेक्टर है और दूसरा K2 कॉन्ट्रेक्टर है, ये हमारा कंप्रेसर का ये मोटर का कनेक्शन है, ठीक है। ये मोटर कनेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा 1, 2, 3, 7, 8, 9, ये यही जो है नंबरिंग आपका किया रहता है जो आप पार्ट वाइंडिंग का खोलेंगे तो, ठीक है। और उसके अंदर भी आपको T1 और T2 देखने को मिल जाएंगे, दो कनेक्शन रहते हैं, वो थर्मिस्टर का रहता है। मोटर जब हमारा ओवर हीटेड हो जाता है, ज्यादा वाइंडिंग टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो ये पावर को डिसलेट कर देता है, ये हमारा सेफ्टी पर्पस के लिए हमारा यूज किया जाता है। तो ये इसका भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है T1 और T2 का। यहाँ पर देखिए हम लिखे हुए हैं T1 T2 थर्मिस्टर कंप्रेसर इंटरनल ओवरलोड के लिए जो है इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अभी हमारा इसको कनेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, ये हमारा मोटर है तो इसका जब आप लोग कैसे पहचानेंगे, अगर आपको सामने कंप्रेसर मिल गया, ठीक है, आप चीलर के पास गए तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारा जो है पार्ट वाइंडिंग कनेक्शन है
या स्टार डेल्टा कनेक्शन है कि क्या कनेक्शन है। तो उसको चेक करने का तरीका क्या है, 1 से 2 में आप अगर चेक करते हैं तो आपका जो रेजिस्टेंस वैल्यू मिलना चाहिए वो जितना भी मिल रहा है 1, 2, 3 का तीनों का जो है इक्वल मिलना चाहिए आपस में। जैसे 1 से 2 चेक किए 2.5 आया, 2 से 3 चेक किए तो 2.5 आया, ठीक है, फिर 1 से 3 किए तो 2.5 आया। मतलब ये जो है तीनों का जो है इक्वल रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, और वो जस्ट अपोजिट में जब हम लोग चेक करेंगे तो तीनों का भी हमारा सेम वैल्यू मिलना चाहिए। 7 से 8 का हमें सेम वैल्यू मिलना चाहिए, मान लो 2.7 मिला, तो 2.7 हमको जो ये तीनों में हम लोग चेक करेंगे तो आपस में मिलना चाहिए, तब समझिए तो हमारा ये पार्ट वाइंडिंग में कनेक्शन किया हुआ है। PW1 पार्ट वाइंडिंग 1, 1, 2, 3, PW2 पार्ट वाइंडिंग 7, 8, 9। इसको फेज कनेक्शन कैसे देना है, कभी भी उल्टा कनेक्शन इसको नहीं देना है। यहां से देखिए आइसोलेटर से निकल करके कॉन्ट्रेक्टर 1 में आया, रेड येलो ब्लू जो फेज इसमें आप डाले हैं, ठीक है, वही फेज हम लोग यहाँ सेम यहाँ पे लिए हैं। ये रेड जो यहाँ पे आ रहा है यही रेड को हम यहाँ पे लिए हैं, येलो को हम यहाँ पे लिए हैं और ब्लू को यहाँ पे लिए हैं। उसके बाद यहाँ कॉन्ट्रेक्टर 1 से जो रेड निकल करके आया 1 में इसके सामने, जस्ट इसके अपोजिट में जो है हम लोग रेड फेज डालेंगे। ये देख रहे हैं ना आप, कॉन्ट्रेक्टर 2 से T1 से निकाल करके हम लोग डालें रेड फेज डालें इसका 7 नंबर में, और इधर से रेड फेज जो निकाल करके लेके आए T1 से यहाँ निकाल करके डाले 1 नंबर में। मतलब इसका सामना सामने जो है, जो इसका सेम अपोजिट डायरेक्शन में सेम फेज का अप्लाई करना है। अगर मान लो आप दूसरा फेज डाल देते हो, यहाँ पे रेड ना डाल करके आप येलो डालते हो, ब्लू डालते हो, तो ये क्या है, ये दूसरा वाइंडिंग जो है अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, तो उसमें आपका मोटर जो है जल जाएगा। तो वो चीज आप कभी भी ध्यान में रखें, कहीं भी आपको पार्ट वाइंडिंग कनेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये रेड का आपने एक फेज इसमें डाला, दूसरा आपने इधर से रेड लेकर के कॉन्ट्रेक्टर 2 से इसमें डाला, येलो का इसमें डाला, फिर येलो का इधर से निकाल करके येलो इसमें डाला, फिर ब्लू का आपने लेकर के इसमें डाला, फिर ब्लू का इधर से आपने यहाँ पे डाला 9 नंबर में, तो सेम अपोजिट में। तो इस तरह से हमारा जो है कनेक्शन हमारा ये होता है पार्ट वाइंडिंग का। इस तरह से आप कनेक्शन करते हैं तो आपका मोटर जो है रन करेगा, स्टार्ट हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये जो सीटी हमारा लगाया हुआ है कंट्रोल ट्रांसफार्मर, ये हमारा एम्पियर को शो ऑफ करता है कितना एम्पियर ज्यादा जा रहा है, कम जा रहा है, कितना ले रहा है, कौन सा फेज में। तो उस तरह से हमारा इसका यूज किया जाता है। एक और चीज यूज होता है इसके अंदर, जो मान लो कभी उल्टा हो गया, फेज हो गया, एक फेज नहीं आ रहा है, इस तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं समटाइम इन बिटवीन, तो उसके लिए SSPS का यूज किया जाता है, सॉलिड स्टेट प्रोटेक्शन सिस्टम, ठीक है, मोटर प्रोटेक्टर करके लिखा हुआ रहता है। उसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है हमारा सभी जितना भी जो कनेक्शन है ना, जैसे फेज शेड्यूल का वो कनेक्शन भी इसके अंदर हो जाता है, फिर ऑयल टेम्परेचर का और बाकी इसमें जो है हीटर का, इस तरह का कनेक्शन जो है सब सीरीज में करके SSPS में कनेक्शन किया हुआ रहता है। तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए हम यहाँ पे बनाए नहीं, तो SSPS भी जो है इसको हम लोग को ये सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टार डेल्टा पावर वायरिंग के बारे में, जानेंगे कि कैसे उसका कनेक्शन होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर एक DUL वायरिंग होता है डायरेक्ट ऑनलाइन, उसके बारे में भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं सकते हैं। और ये याद रहे कि ये डायरेक्ट ऐसे फेज डालने के बाद ये स्टार्ट नहीं होगा, इसको ऑपरेट करने के लिए कंट्रोल वायरिंग की जरूरत पड़ती है, तो कंट्रोल वायरिंग को हम फिर कभी बताएंगे किसी दिन। ओके, चलिए फिर आप अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट जो भी करें कैसा लगा आप इसके बारे में बताएं कमेंट करके, और जो क्वेश्चन है वो भी आप इसमें लिख सकते हैं।